देखिए, एक शब्द है हिंदी में घाटा। तो इस वीडियो में घाटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या अर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। घाटा मतलब घटने का अर्थ या भाव। नुकसान को हम घाटा बोलते हैं। हानि, कमी, खसारा, किसी लेन देन, व्यापार आदि में होने वाली आर्थिक कमी, क्षति मतलब घाटा। इंग्लिश में घाटा को बोलते हैं डेफिसिट, डेफिशिएंसी, शॉर्टेज, शॉर्टफॉल, लॉस, लॉसिंग, डैमेज, डिसएडवांटेज, हार्म एंड एटीसी। मतलब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं घाटा के। चलिए एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से। जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे हम लोग, इससे तुम्हारे कंप्यूटर में डाटा का घाटा है। मतलब इंग्लिश में ड्यू टू दिस देयर इज अ लॉस ऑफ डाटा इन योर कंप्यूटर। तो डाटा का मतलब डाटा और लॉस का मतलब घाटा। दूसरा एग्जाम्पल है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। मतलब इंग्लिश में इट इज योर लॉस, आई डू नॉट लूज एनीथिंग इन दिस। तो लॉस का मतलब घाटा, नुकसान, कमी। ठीक है, तुमने अपने घाटा शब्द को हिंदी इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।